कश्मीर में व्यापारियों को धमकाने वाले 9 लोग हुए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और बारामूला जिले में 9 व्यक्तियों को कथित रूप से हिंसा में लिप्त होने, व्यापारियों को धमकी देने और उन्हें अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने के विरोध में दुकानें बंद करने के लिए बाध्य करने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि पुलिस थाना बारामूला को सूचना मिली कि कुछ शरारती तत्वों ने बारामूला बाजार में 3 अलग अलग स्थानों पर दुकानों को आग लगा दी है, जिसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई है और वहीं उन्होंने बताया कि जांच के दौरान अधिकारी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहायता से अपराध में शामिल शरारती तत्वों की पहचान करने में सफल रहे हैं और इसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही शहर में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पेट्रोल छिड़कने और दुकानदारों को दुकानें बंद करने के लिए धमकाने में लिप्त 5 अन्य लोगों को शहर के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए ये लोग पेट्रोल बम फेंकने और साथ ही श्रीनगर शहर के आंतरिक क्षेत्रों में दुकानदारों और स्थानीय लोगों को धमकाने में लिप्त है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो समूह है ये कई क्षेत्रों में पुलिस और सुरक्षा बलों के वाहनों पर पेट्रोल बम फेंकने में